आज हम TCS के एंटायर सैलरी स्ट्रक्चर हो, ज्वाइनिंग हो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी हो, करियर हो, बहुत सारे पॉइंट्स है जो थ्रू आउट एक वीडियो में कंसिडर करेंगे। क्योंकि अभी तक जितने वीडियो मैंने बनाए उन वीडियोस को मैंने डिवाइड किया है। इधर वन वीडियो बनाया मैंने TCS सैलरी को लेके, वन वीडियो मैंने बनाया TCS BPO को लेके, यहाँ पर अनदर वीडियो बनाया TCS टेक्निकल सपोर्ट को लेके। तो ये अलग अलग वीडियोस थे। और कोई बंदा अगर TCS को टारगेट कर रहा है, TCS कंपनी को जॉब के लिए टारगेट कर रहा है बेसिकली, तो उनको TCS को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो TCS को किस तरह से अप्लाई करे ताकि उसको TCS में जॉब मिले। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लगभग बहुत सारे लोगों की स्ट्रीम फिक्स नहीं होती। यहाँ पर उनके दो टारगेट्स होते हैं, एक तो मुझे जॉब चाहिए विद हाई सैलरी, तो यहाँ पर TCS बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास स्ट्रीम होगी, जैसे कोई बंदा होता है जो स्पेशली किसी टेक्नोलॉजी को लेके काम करता है, आइदर वो माइट बी वो विंडोज में होता है, लिनक्स में होता है, .NET, PHP, Oracle, किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेके अगर आप काम कर रहे हैं, सो वहाँ पर जॉब के लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिशन्स होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बैंडविड्थ होते हैं जॉब के, जो नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, वो जॉब्स कम होते हैं। लेकिन अगर आप एक रैंडम स्ट्रीम को अप्लाई कर रहे हैं, टारगेट ही है आपका जॉब पाना और रैंडम स्ट्रीम को आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गाइस। क्योंकि TCS में लगभग, अभी बात करूँगा मैं, तो यहाँ पे 42 लाख अराउंड पीपल काम करते हैं, तो थ्रू आउट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और ये 1968 से, 1 अप्रैल 1968 को TCS स्टार्ट हुआ था, तब से लेके आज तक TCS कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जा रहा है। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सो जॉब भी प्रोपोर्शनली बढ़ते जा रहे हैं। और सैलरी रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियसली अगर 2015 की बात करेंगे तो वहाँ पे जितनी सैलरी एज अ फ्रेशर्स को दी जाती थी लगभग 2.5 के अक्रॉस सैलरी फ्रेशर्स को मिलती थी। सो अभी उसके बाद यहाँ पर सैलरी 4.2-4.5 समथिंग उसी रेंज में फ्रेशर्स को सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर सैलरी रेंज भी लगभग उन्होंने इंक्रीज की है ताकि जो फ्रेशर्स है वो फ्रेशर्स सही तरीके से अप्लाई करें। बस कंडीशंस है कि आपको TCS के ऑन रोल पे जाना होता है। यानी ये बहुत सारी कंपनीज है, MNC कंपनीज है, सो ये MNC कंपनीज अपना मैन पावर डिवाइड करते हैं। यानी कुछ मैन पावर होता है जो ऑन रोल पे होता है, कुछ मैन पावर थर्ड पार्टी पे होता है, सो वो दोनों भी पैरेलली सेम प्रोसेस पे काम करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी होता है उनको जो राइट सैलरी या फिर जो कुछ भी चीज़ें होती है, हालांकि ऑन रोल पे जो लोग होते हैं उनके मामले में कम मिलते हैं। सो जब भी आप TCS को अप्लाई करें तो कोशिश कीजिए कि TCS के ऑन रोल पे अप्लाई करने की। दूसरी चीज, यहाँ पे आपका सिलेक्शंस मस्ट बी कैंपस सिलेक्शंस होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपका सिलेक्शंस कैंपस में हो जाता है, लगभग ये 100 में से 6 लोगों को या 5 लोगों को चांस मिलता है जिसको कैंपस सिलेक्शंस बोलते हैं। तो कैंपस सिलेक्शंस में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी 4.5 तक मिलती है गाइस। और ये TCS की नहीं, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जैसे विप्रो, कॉग्निजेंट, इंटेल, कैपजेमिनी, सारी कंपनीज है, उनकी जो फ्रेशर सैलरी होती है वो सैलरी लगभग उसी रेंज में मिलती है। अगर आप ट्राई करेंगे इन कंपनीज को अप्लाई करने के लिए, सो बेशक आगे चल के इन कंपनीज में भी उतनी सैलरी आपको मिलेगी। सो मुझे दूसरी कमेंट मिली थी यहाँ पे गाइस कि TCS की सैलरी रेंज डिफरेंट होती है। सो यस, TCS की सैलरी रेंज डिफरेंट होती है क्योंकि TCS में अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। यहाँ पे BPO के लिए वो सैलरी अलग देंगे, टेक सपोर्ट के लिए सैलरी अलग देंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप सपोर्ट में कोई बंदा है उसके लिए अलग देंगे। कोई प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं, यानी जो लोकल लेवल पे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, तो वहाँ का जो रेवेन्यू होता है या फिर जो प्रोजेक्ट का एनुअल इनकम होता है वो एनुअल इनकम कम होता है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ की सैलरी भी कम रहती है। सो ये भी पॉइंट है यहाँ पे कि TCS में अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए सैलरी अलग अलग होती है। सो अगर जॉब ओपनिंग्स की बात करेंगे, TCS को किस तरह से अप्लाई करेगा इस, तो BPO हो, कॉल सेंटर्स हो, टेक सपोर्ट हो, डेस्कटॉप सपोर्ट हो, अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर मार्केटिंग लेवल के जॉब को भी TCS के अप्लाई कर रहे हैं, सो उसके लिए सबसे पहले आपको TCS के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी चीज, जहाँ पर भी TCS के ऑनलाइन जो कैंपस चल रहे हैं उनके अनाउंसमेंट होती है, बिफोर वन मंथ उनकी अनाउंसमेंट रहती है कि वो अगले मंथ या इस तारीख को इस लोकेशंस पे कैंपस लेने वाले। सो अगर उन लोकेशंस को आप विजिट करते हैं, सो डेफिनेटली वहाँ पे भी एक अच्छा चांस मिलता है आपको जॉब पाने का। और अगर आपको वो दोनों भी ऑप्शंस नहीं मिल रहे, आप पोर्टल से भी आपको अपडेट नहीं मिल रहा है, और आपको अगर आप जॉब कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं तब भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं या फिर जो कैंपस में आने वाले लोग होते हैं उनका
जो आंकड़ा है वो ज्यादा रहता है. सो होप वहाँ पे कॉम्पिटिशन हाई रहता है और जिन लोगों का सर्टिफिकेशन है या फिर जिन लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस है उनको वहाँ पे जॉब मिलता है. सो यहाँ पर एक अल्टरनेट ऑप्शन से कही, यहाँ पे आप मल्टीपल कंसल्टेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं जो कंसल्टेंसीज टाइप रखते हैं TCS के साथ. यानी बहुत सारे TCS के HR है जो पर्टिकुलर कंसल्टेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीड इन्फोटेक रहा या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मार्केट में जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेके लेक्चर्स या फिर ट्रेनिंग देते हैं और उन टेक्नोलॉजी में जो बच्चे ट्रेन होते हैं उनको ही ये ऑर्गेनाइजेशन चांस देता है इंटरव्यू का. सो आपको ऐसे 10-12 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना है तब जाके आपको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जहाँ पर आप TCS के साथ इंटरव्यू दे सके. अभी ये 2-3 पॉइंट्स थे जो हमने इसमें शेयर किए कि सबसे पहले मैंने बात बताई आपको कि TCS की सैलरी रेंज डिफरेंट कैसे है, कैसे आप सैलरी रेंज ग्रो कर सकते हैं. दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने बताई आपको कि TCS में ज्वाइन कैसे होना है या फिर इंटरव्यू को अप्लाई कैसे करना है. क्योंकि जब कभी भी TCS का कॉलेज इंटरव्यू होता है, कॉलेज कैंपस कंडक्ट होता है, तब उनकी क्राइटेरियाज रहती है कि 10, 12, 60+ का क्राइटेरिया मैंडेटरी है. थ्रू आउट डिग्री आप कहीं पे फेल नहीं होने चाहिए या फिर कोई एटीकेटी जो बोलते हैं सब्जेक्ट बैक या फिर एयर ड्रॉप की बात करते तो वो एयर ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए. लेकिन ये क्राइटेरिया यहाँ पर लागू नहीं होता जब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होता है गाइज. यानी जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है तब आपका फ्रेशर्स का टैग हट जाता है, तब जाके ये क्राइटेरियाज आपको लागू नहीं होते, तब जाके आप एज अ एक्सपीरियंस बेस पे TCS को अप्लाई कर सकते हैं. यानी बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉलेज कैंपस में चांस नहीं मिलता कि TCS को किस तरह से अप्लाई करें. सो वो लोग भी TCS को अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अदर कंपनी से एक्सपीरियंस लेना मैंडेटरी है. जैसे कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन हो चुके हो, आफ्टर 1 ईयर आपको TCS में कॉल आता है या फिर आप TCS में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप एप्लीकेबल हो उस जॉब के लिए. सो होप कि वहाँ पे भी अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो इट्स इजी फॉर यू, कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है या बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको जॉब्स नहीं मिलेगा. और गाइज यहाँ पर मुझे और एक कमेंट मिली है कि बेसिकली TCS के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके बाद फेल्यूर्स मिलता है इंटरव्यू में या फिर किन किन टॉपिक्स पे सिलेबस क्या है, यानी क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लगभग TCS पे मैंने 20 के अराउंड वीडियोस बनाए जो अलग अलग टॉपिक्स को लेके, यानी आपकी पूरी अवेयरनेस वहाँ पे क्रिएट हो जाती है. मेरे अगर चैनल को आप बारीकी से विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एप्टीट्यूड से लेके यहाँ तक की पूरे जो कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी वहाँ पे एक्सप्लेन किए. सो इस कमेंट का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा. फिर भी अगर आप TCS को प्रिपेयर करना चाहते हो तो एक बेसिक वे बताता हूँ गाइस यहाँ पे, कि सबसे पहले आपको TCS के पोर्टल पे जाना है. पोर्टल पे जाने के बाद आपको विजिट करना है TCS के साइट्स को. विजिट करने के बाद वहाँ पर TCS के कुछ डम्स मिलेंगे या फिर TCS का कोई बेसिक मटेरियल्स मिलेगा जहाँ से आप पढ़ सकते हैं. वो सारा मटेरियल्स आपको कलेक्ट करना है. उसके बाद गूगल पे जाके जितने भी डम्स है TCS के, आज तक TCS ने पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर किए वो क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करने. दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको उनका पैटर्न समझ में लेना, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि TCS इंटरव्यू में आइदर GD रखता है, एप्टीट्यूड रखता है या फिर मेल राइटिंग रखता है. तो बहुत बार होता है कि आप एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करके जाते हो, सडनली उनका मेल राइटिंग का राउंड होता है या फिर GD का राउंड होता है. सो वहाँ पे फेल्यूअर्स ज़्यादा मिलता है क्योंकि GD में एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है या फिर मैं कहूँ तो सडनली बहुत सारे लोगों को 1 टाइम एलिमिनेट किया जाता है. क्योंकि एप्टीट्यूड में बहुत सारे लोगों का बेसिक प्रिपरेशंस हुआ रहता है, यहाँ पे लोग बेसिक प्रिपरेशंस करके एप्टीट्यूड को जाते हैं. लेकिन GD में कोई टॉपिक दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज है, दूसरी चीज़ उस टॉपिक को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ यहाँ पे कि आप टीम लीड कैसे करते हैं या फिर टीम को मैनेज कैसे करते हैं. सो नॉलेज होने के बाद भी आपके पास कॉन्फिडेंस या फिर पर्सनैलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप पूरी टीम को लीड कर सके. सो अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड या फिर GD और मेल राइटिंग की, तो मेल राइटिंग में बहुत लोग पास हो जाते हैं, एप्टीट्यूड में थोड़ा सा आंकड़ा कम है और GD में फेल होने वाले लोगों की ज़्यादा तादाद है. सो होप कि प्रिपरेशंस करते टाइम आपको इसी प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशंस करना है. और यहाँ पर इंटरव्यू में कभी कभी नोट डाउन करके आता है, जैसे naukri.com में अगर TCS की कोई ओपनिंग रही तो वहाँ पे लिख के आता है कि आपका एप्टीट्यूड राउंड होगा, GD राउंड होगा या फिर मेल राइटिंग राउंड होगा. सो एक बेस्ट वे अवेयरनेस के लिए कि आप वहाँ से वो पॉइंट्स पिकअप करके प्रिपरेशंस कर सकते हैं.
और अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्योंकि मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया पूरा, उसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन है जो मेजर क्वेश्चन है टीसीएस में पूछे जाने वाले, वो सारे क्वेश्चन उस पीपीटी राउंड में मैंने एक्सप्लेन किए, तो वो स्टार्ट से एंड तक वो सारे क्वेश्चन आपको इनफ है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं एज अ फ्रेशर्स, और एज अ एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव इतना ही था गाइस कि मैंने बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके दी थी, लेकिन मुझे कमेंट मिला था कि एक बेसिकली एक लॉन्ग वीडियो बनाइए जिसमें सारी कॉन्सेप्ट या सारी बातें आप एक वीडियो में कह सके। सो होप ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया होगा, कुछ क्वेरी हो, डाउट्स हो, कमेंट्स हो, बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।